दोस्तों 14 अक्टूबर के दिन बांग्लादेश में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस के दौरान कई हिंदू टेंपल्स पर अटैक किए जाने की खबरें हमें मिली। अफवाहों के कारण उकसाई गई भीड़ द्वारा किए गए इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए जहां बांग्लादेश गवर्नमेंट को 22 डिस्ट्रिक्ट्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा, वहीं इस वायलेंस में 6 लोगों की जान भी चली गई। बांग्लादेश पुलिस ने टेंपल्स पे हुए इस अटैक के बाद अभी तक 300 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वायलेंस एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद क्यूमिला के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट हुआ है, जहां मुस्लिम होली बुक कुरान को पूजा सेलिब्रेशंस के दौरान हिंदू डीटी के पैरों के पास रखा दिखाया गया। दोस्तों जहां एक और इस वायलेंस के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बेसिस पे कई स्टेप्स लिए जिससे राइट्स कंट्रोल किए जा सके, वहीं दूसरी ओर इस इवेंट ने बांग्लादेश को माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए उठते सवालों के घेरे में दोबारा लाकर खड़ा कर दिया है। अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद बांग्लादेश ने कई ऐसे इवेंट्स देखे हैं जहां वहां की माइनॉरिटीज को रिलीजियसली परसिक्यूट किया गया हो और गवर्नमेंट के ऊपर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कई आरोप लगते चले आए हैं। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का मकसद बांग्लादेश के माइनॉरिटीज की कंडीशंस को एनालाइज करना है, जिसके तहत हम ग्राउंड रियलिटी को समझ सकें। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या बांग्लादेश प्रैक्टिकली एक सेकुलर कंट्री है या दूसरे कई मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस की तरह वहां भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स केवल नाम भर के हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हम बांग्लादेश के रिलीजियस माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स से करेंगे। दोस्तों बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम एज अ रिलीजन दो बार मेंशन्ड है, जहां बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत इस्लामिक फ्रेज बिस्मिल्ला या इन द नेम ऑफ अल्लाह से होती है, वहीं आर्टिकल 2A द्वारा इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इसी समय बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक माना है। इस्लाम के स्टेट रिलीजन होने के बावजूद बांग्लादेश के ज्यादातर गवर्निंग लॉज सेकुलर नेचर के हैं, जिन्हें 1947 से पहले ब्रिटिश क्राउन द्वारा सेटअप किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भी ये डायरेक्टेड है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और दूसरे रिलीजन को इक्वल स्टेटस और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेगी। इन राइट्स में पॉलिटिकल राइट जैसे राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा शामिल है। बांग्लादेश के 11th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 17 हिंदू मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे सिटीजन्स को उनके रिलीजन से अलग इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। साथ ही रिलीजियस ग्राउंड्स पे किए गए किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बैन भी किया है। दोस्तों बांग्लादेश में मेजर रिलीजन इस्लाम है, जिसके 90.4% फॉलोअर्स हैं। हिंदुइज्म सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोअर्स के साथ 8.5% पॉपुलेशन कवर करती है, वहीं बुद्धिज्म के 0.6% और क्रिश्चियनिटी के 0.3% फॉलोअर्स हैं। दोस्तों स्टेट रिलीजन और सेकुलरिज्म का ये बैलेंस बांग्लादेश में अनोखा है। एक और जहां इस्लामिक लॉज मुस्लिम कम्युनिटीज के सिविल मैटर्स में तो अप्लाई किए जाते हैं, वहीं इनका कोई फॉर्मल इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। इसके अलावा इन्हें नॉन मुस्लिम्स पे भी इम्पोज नहीं किया जाता। मुस्लिम्स, हिंदूज और क्रिश्चियंस के लिए फैमिली लॉज के सेपरेट प्रोविजंस हैं। बांग्लादेश में अरेंज, डाइवोर्स और अडॉप्शन के लिए फैमिली लॉज उसे फॉलो करने वाले पर्सन के रिलीजियस बिलीफ पे डिपेंड करते हैं। बांग्लादेश के जेल कोर्ट्स प्रिजनर्स द्वारा रिलीजियस फेस्टिवल ऑब्जर्व करने के लिए अलाउंसेस ग्रांट करती हैं, जिसके तहत फास्टिंग और सेलिब्रेशन के दौरान एक्स्ट्रा फूड के प्रोविजंस हैं। 2010 में 1972 कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने फतवा के अगेंस्ट अपने स्टैंड को स्ट्रेंथन किया है। 2011 में गवर्नमेंट ने रिलीजियस वेलफेयर ट्रस्ट एक्ट पास कर नए क्रिश्चियन रिलीजियस वेलफेयर ट्रस्ट को फंडिंग प्रोवाइड करने के ऑप्शंस को रिवाइज किया था। 2011 में गवर्नमेंट ने वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट भी पास किया, जिससे बांग्लादेश के हिंदू पॉपुलेशन की सीज प्रॉपर्टी उन्हें रिटर्न की जा सके। 2012 में गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत हिंदूज यदि चाहें तो अपने मैरिजेस गवर्नमेंट ऑफिसेज में रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बिल का मेन एम हिंदू विमेन के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, जिनके राइट्स रिलीजियस मैरिजेस के अंडर सिक्योर नहीं किए जा रहे थे। 2013 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी नाम की लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर दिया था, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने का इल्जाम था। दोस्तों यदि एजुकेशन के टॉपिक पे बात की जाए तो बांग्लादेश में रिलीजियस स्टडीज कंपलसरी हैं और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के करिकुलम का हिस्सा हैं। स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस की क्लासेस अटेंड करते हैं। वहीं स्कूल्स जहां माइनॉरिटी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, उन्हें लोकल चर्च या टेम्पल में रिलीजियस स्टडीज करने की परमिशन होती है।
दोस्तों ये बातें रही कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव की, लेकिन बांग्लादेश भी एक साउथ एशियन डेवलपिंग कंट्री है जहां लॉ बुक्स में दिए गए राइट्स अक्सर जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए जरूरी है कि हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के स्टेटस को अब एक क्रिटिकल एंगल से देखें। दोस्तों पार्टीशन के बाद से ईस्ट पाकिस्तान या प्रेजेंट डे बांग्लादेश में हिंदूज को सप्रेस किया जाने लगा। ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज के सब्सटेंशियल पॉपुलेशन के कारण ही वेस्ट पाकिस्तान इस रीजन को पॉलिटिकल लीडरशिप देने से बचना चाहता था, जिसके कारण हम लोगों ने 1971 का वॉर देखा। शेख मुजीबुर रहमान को क्लियर मेजोरिटी मिलने के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान का उन्हें पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड ना करने के बाद शुरू हुआ पॉलिटिकल वायलेंस अंत में इंडिया द्वारा बांग्लादेश के लिबरेशन से खत्म हुआ। अपने फॉर्मेशन के बाद 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को स्टेट के 4 फाउंडेशनल पिलर्स में से एक माना। इसके 2 कारण थे। पहला, लिंग्विस्टिक और कल्चरल इंटीग्रेशन ने पाकिस्तान की फॉर्मेशन के पीछे की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया, जिसने रिलीजन के बेसिस पे स्टेटहुड की डिमांड की थी। दूसरा, पाकिस्तानी मिलिट्री भी रिलीजियस एजेंडा को परस्यू कर रही थी और सेकुलरिज्म इंटीग्रेट कर बांग्लादेश ने अपना रिलीजियस स्टैंड क्लियर कर दिया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद बांग्लादेश में सेकुलरिज्म को एक बड़ा झटका लगा। उनके बाद सत्ता में आए पॉलिटिकल लीडर्स ने सेकुलरिज्म को उस करेज, कमिटमेंट और अथॉरिटी के साथ फॉलो नहीं किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान किया करते थे। इससे पहले जहां रिलीजियस ग्रुप्स और लीडर्स को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता था, वहीं धीरे धीरे इन्हें पॉलिटिकल एरिना में स्पेस दिया जाने लगा और समय के साथ ये मुस्लिम रिलीजियस लीडर अलायंस या गठबंधन जैसे डेमोक्रेटिक एग्रीमेंट्स क्रिएट करने लगे, जिसने सेकुलरिज्म को और नुकसान पहुंचाया। पॉलिटिकल कंटेमिनेशन अपनी चरम सीमा पे था और ये तब दिखा जब 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979 के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म वर्ड को रिमूव कर डिवाइन इन्वोकेशन बिस्मिल्ला इंसर्ट किया गया। 8th अमेंडमेंट 1988 के थ्रू इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। दोस्तों 2005 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 5th अमेंडमेंट इनवैलिडेट कर दिया क्योंकि इसे मैरिटल लॉ के अंडर प्रोमुलगेट किया गया था। 2011 में 15th अमेंडमेंट के पार्ट सेकंड आर्टिकल 8 ने सेकुलरिज्म को वापस रिस्टोर किया और आर्टिकल 12 ने स्पेसिफिकली एलिमिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फेथ जैसी कई बेसिक फीचर्स रिस्टोर की। इन चेंजेस के बावजूद पार्ट 1 आर्टिकल 2A के तहत इस्लाम को स्टेट रिलीजन रहने दिया गया। दोस्तों किसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन के तौर पर एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप होता है सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। यदि स्टेट एक रिलीजन को एक्सेप्ट करता है तो उसी समय वो दूसरे रिलीजन को रिजेक्ट भी कर रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन की पहली सीढ़ी बनती है। धीरे धीरे इस्लामिस्ट का इम्पैक्ट दूसरे एरियाज में दिखने लगा। 1970 से 2008 के बीच बांग्लादेश में मदरसे के नंबर 7-8 टाइम्स बढ़ चुके थे, जहां 1970s में स्टेट कंट्रोल 2721 मदरसा हुआ करते थे, वहीं 2008 में इनकी नंबर 14,152 हो चुकी थी। गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर के मदरसे, जिन्हें कुआमी मदरसा कहा जाता था, उनकी काउंटिंग भी काफी बढ़ चुकी थी। इन कुआमी मदरसा ने किसी भी तरह के गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रिजेक्ट किया। ऐसी रिलीजियस फोर्सेस ने ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम पे भी गहरा इम्पैक्ट डाला। 2017 में 9 चैप्टर्स, जिनमें सुनील गंगोपाध्याय, सरत चंद्रा, सत्येंद्र सेन, हुमायूं आजाद और रविंद्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूशन थे, उन्हें साइलेंटली रिमूव कर रिलीजियस माइंडेड पर्सनैलिटीज जैसे शाह अहमद सगीर, अलालोल, गुलाम मुस्तफा, काजी नजरुल इस्लाम और हबीबुल्ला बाहर के टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया गया। रिलीजियस फैनेटिकल ग्रुप्स और उनके समर्थन में आए लोगों ने माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कई वायलेंस और रिप्रेशन के एक्ट कंडक्ट किए। अधिकार, एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ने रिपोर्ट किया कि 2007 से 2019 के बीच माइनॉरिटी रिलीजन के 12 लोगों का मर्डर किया गया। इन वायलेंस में 1536 पीपल इंजर हुए, 7 अपडेट किए गए और 19 वुमेन का रेप हुआ। इन अटैक्स में 62 लैंड पीसेस और 40 हाउसेस ग्रैब कर लिए गए और 1013 हाउसेस और 390 टेम्पल्स पे अटैक हुए, जहां 889 आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विक्टिम्स में केवल हिंदूज ही नहीं थे, बल्कि क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, शियाज और अहमदिया मुस्लिम भी शामिल थे। इन्हीं वायलेंस के कारण कई माइनॉरिटीज को देश छोड़ना पड़ा। ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट के अनुसार पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज 22% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट किया करते थे। 1961 तक ये 18.5% हो गए और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के समय ये केवल 13.5% ही बचे।
1991 तक इनकी संख्या 10.5% तक हो गई और 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार आज बांग्लादेश में केवल 8.5% ही हिंदू बचे हैं। दोस्तों, यूं तो इस माइग्रेशन के पीछे फैमिली फैक्टर्स भी थे। मोस्ट ऑफ द हिंदूज जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती थी, उन्होंने समय के साथ इंडिया माइग्रेट करना बेटर समझा, लेकिन इस माइग्रेशन के पीछे वायलेंस और डर के कारणों से इंकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स ने बांग्लादेश में फ्री स्पीच के एनवायरनमेंट पे भी गहरा असर डाला। कई सेकुलर और एथिस्ट राइटर्स और ब्लॉगर्स को असैसिनेट कर दिया गया। कई टीचर्स और एडिटर्स पर अटैक किए गए। कई आर्टिस्ट और परफॉर्मेंस को धमकियां मिली कि उनके एक्ट से इस्लामिक सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है और वो मुस्लिम्स को ऑफेंड कर रहे हैं। इस ह्यूमिलेशन में बांग्लादेश के डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ने भी आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि इस एक्ट में रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट या ऑफेंड टर्म को डिफाइन नहीं किया गया। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट इन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के लिए लीगल हैरेसमेंट का एक टूल बना, जिससे उन्होंने अपनी रिलीजियस इंटॉलरेंस की एक्टिविटी फर्दर इंक्रीज की। जिहादी मिलिटेंसी एक्ट जैसे 2001 में बंगाली न्यू ईयर डे पे किए गए अटैक में 10 लोगों की जाने गई। वहीं अगस्त 25 में बांग्लादेश के 64 में से 63 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 400 से ज्यादा एक्सप्लोजन किए गए। ढाका के एक रेस्टोरेंट में जुलाई 2016 में 28 लोगों की जानें ली गईं, जिसमें 17 फॉरेनर शामिल थे। इन एक्ट्स ने जहां एक और जिहादी मिलिटेंसी के डेंजरस एजेंडा को बांग्लादेश में विजिबल किया, वहीं रिलीजियस फैनेटिक्स ने सिविलियन पॉपुलेशन के बीच नफरत फैलाई। दोस्तों, ये सारे इवेंट्स इस बात का सबूत देते हैं कि हो सकता है बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को अपना फाउंडेशनल पिलर माना हो और इसे कामयाब बनाने में कई गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स लगाए हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। रिलीजियस फैनेटिक्स और रिलीजियस एफिलिएटेड पार्टीज जहां एक और सिविल सोसाइटीज में कम्युनलिज्म स्प्रेड कर रही है, वहीं जिहादी मिलिटेंसी टेरर एक्ट के माध्यम से लिबरल्स को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश को इस बात पे एम्फसाइज करने की जरूरत है कि रिलीजियस होने में और रिलीजियस फैनेटिक होने में काफी फर्क है। जहां एक ओर रिलीजियस होना पर्सनल पीटी प्रैक्टिस और सेलिब्रेशन की ओर ले जाता है, वहीं रिलीजियस फैनेटिसिज्म पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट कंट्रोल और पब्लिक डिस्कोर्स को डिक्टेट करने जैसे अथॉरिटेरियन एक्शंस में रिजल्ट करता है। रिलीजियस नेचर जहां एक और सेकुलरिज्म, मॉडर्निटी, साइंटिफिक प्रोग्रेस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वहीं फैनेटिक आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव माइंडसेट, रिटेलिएशन, इनटॉलरेंस और वायलेंस प्रमोट करता है। बांग्लादेश आज जिस सोशल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, इसमें अरब कंट्रीज द्वारा सलाफी डॉक्ट्रिन के प्रोपगेशन के लिए रिलीजियस ग्रुप्स को दिए गए फाइनेंशियल पैट्रोनेज भी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, 2017 में बांग्लादेश में लगभग 30,000 दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज किए गए थे और 2018 में लगभग 31,272। ये सारे फेस्टिवल्स बिना किसी सिक्योरिटी इशू के कंडक्ट हुए। इस बात को दर्शाता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन इसी समय यदि हम देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केवल 5-7% लोग ही माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यह आंकड़ा इस बात को शो करता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पीछे छूट रही है। शेख मुजीबुर रहमान द्वारा जिस बांग्लादेश का गठन किया गया था, आज वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से दूर होता दिख रहा है और इसकी जिम्मेदार वहां के रिलीजियस फैनेटिक्स ग्रुप्स हैं, जो अपने फायदे के लिए सोसाइटी को रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर पॉलिटिकल गेम प्ले करना चाह रहे हैं। इंडिया और यूएन में इस साल दुर्गा पूजा में हुई हिंसा के अगेंस्ट आपत्ति के बाद शेख हसीना गवर्नमेंट ने इस बात का आश्वासन दिया है कि देश में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये बात किस हद तक सफल होती है ये समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसे कौन से बेसिक फ्लॉज हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।